और चलिए अब जानने का वक्त है कि आपके मुख्यमंत्री आज क्या करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में हैं। सीएम योगी आज लखनऊ पहुंच रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी करेंगे। शाम 4:30 बजे सीएम योगी एयरपोर्ट पर पीएम मोदी को की अगवानी करेंगे। शाम 5:30 बजे मुख्यमंत्री पीएम के साथ सीटीआरआई के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। सीएम आज रात 8 बजे अपने आवास पर पीएम मोदी के लिए डिनर पार्टी का आयोजन करेंगे। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत आज देहरादून में रहेंगे। सीएम आज देहरादून में सचिवालय पहुंचकर रूटीन प्रशासनिक कामकाज को निपटाएंगे, साथ ही लोगों से भी मुलाकात करेंगे। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना में हैं और सीएम आज दोपहर 3:30 बजे कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सचिवालय में होने वाली इस कैबिनेट बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास आज रांची में रहेंगे। सीएम रघुवर दास आज कैबिनेट की बैठक लेंगे और दूसरे रूटीन कामकाज को निपटाएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज भोपाल में हैं। शिवराज सिंह चौहान आज भोपाल में प्रशासनिक अकादमी में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट की बैठक में शामिल होंगे। 3:30 बजे सीएम प्रगति ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम डॉक्टर रमन सिंह आज रायपुर में कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। मंत्रालय में होने वाली इस बैठक में शिक्षा विभाग से जुड़े 2 अहम मसलों पर चर्चा होगी। खाद बीज की उपलब्धता और किसानों के मुद्दे और बरसात से पहले की तैयारियों पर भी कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी। में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आज चंडीगढ़ में हैं। सीएम आज विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज चंडीगढ़ में हैं। सीएम मनोहर लाल खट्टर रूटीन प्रशासनिक कार्यों को निपटाएंगे। दोपहर बाद सीएम करनाल जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह आज शिमला में हैं। सीएम आज दिन भर रूटीन प्रशासनिक कामकाज को निपटाएंगे और लोगों से मुलाकात करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया आज जयपुर में हैं। आज जयपुर में सीएम वसुंधरा राजे रेल मंत्री सुरेश प्रभु के साथ बैठक करेंगी। इस बैठक में राजस्थान की रेल परियोजनाओं को लेकर अहम फैसला हो सकता है।